नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मागणी। दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज मैं हॉबीज़ पे सेकंड सीरीज़ लेके आई हूँ। फर्स्ट हमने बात की थी OTT मूवीज़, OTT पे शॉर्ट मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखना। आप में से एक जने ने कमेंट किया था, मैडम मूवीज़ देखना हॉबी है। तो सर, वैसा ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। वेब सीरीज़ देखना, मूवीज़ देखना, सेम ही क्वेश्चन बनेंगे। उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस मूवीज़ में भी फेवरेट मूवी कौन सी है, लास्ट कौन सी देखी, किस तरह की मूवीज़ देखते हो, है ना, और इस मूवी से क्या शिक्षा मिली, कोई विवादित मूवी हो तो वो चर्चा में विवादों में क्यों है, है ना, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ज़्यादा सेम जैसे ही जैसे मैंने OTT पे कवर किया था ना, मतलब वेब सीरीज़ देखना, इन पे सेम वैसे ही, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो उन पे अलग वीडियो नहीं बनेगा। बाकी आपने जो हॉबी शेयर करी है, धीरे धीरे डेली एक एक करके एक एक वीडियो में लाने की कोशिश करूँगी रोज़ उन पे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कुकिंग। तो सब मोस्टली सबसे ज़्यादा जो मैसेज आए थे वो कुकिंग पे ही थे। मोस्टली लोगों की हॉबी है कुकिंग, है ना। तो सबसे पहले मुझे यही वीडियो बनाना था, बट इनका जिनका मैंने इंटरव्यू मतलब OTT वाला लिया, उनका फोर्थ का इंटरव्यू था, तो सबसे पहले मैंने वो वाली कवर कर ली। तो कुकिंग देखते हैं दोस्तों। कुकिंग पहला क्वेश्चन, अगर आप लेडी हो, ठीक है, या फिर वुमन हो या लड़की हो, तो आपसे दोस्तों पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कुकिंग भी कोई हॉबी हुई, अगर आप गृहिणी हो, लाइक शादीशुदा हो, तो यह तो आपको करना ही है। ऑब्वियसली कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप एक हाउसवाइफ हो या फिर आप एक वुमन हो, लेडी हो, लड़की हो, तो आपको यह करना ज़रूरी है कि आप हॉबी मतलब आप कुकिंग कर ही रहे हो, बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में ज़रूरी नहीं है। लेकिन सरकास्टिकली वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछते हैं, मतलब, है ना। तो यह भी कोई हॉबी हुई, जैसे कि हमने योगा में देखा है बहुत सारे लोगों को योगा में, कि योगा भी कोई हॉबी हुई, वो तो करना ही चाहिए, वो कोई हॉबी थोड़ी होती है, वो तो शरीर के लिए ज़रूरी होता है ना। इस तरह से पहला ही क्वेश्चन हॉबी होगा। अब आप इसको किस तरह से काउंटर करोगे, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, इन पे मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन पहला क्वेश्चन, अगर आप लेडी हो, वूमन हो, मतलब वूमन हो, शादीशुदा हो, तो ये पहला क्वेश्चन आपसे बनता ही है। फिर ठीक है, फिर सेकंड, लड़कों की, बहुत सारे लड़कों की हॉबी भी होती है और लड़कियों की भी होती है, मतलब महिलाओं की होती है, तो फिर अच्छा क्या क्या पका लेते हो, तो आप दो तीन तरह के खाने, जैसे जो भी आप अच्छा पकाते हो बता सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली वही खाने बताइए जो आपको सच में पकाना आता है और जिनके इंग्रेडिएंट्स वगैरह आपको सब कुछ पता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है बिल्कुल। कब करते हो कुकिंग, लाइक कि आप लड़के हो, है ना, या फिर आप पढ़ रहे हो बहुत सालों से, लड़की हो, जो भी हो, तो मतलब कि हमें पढ़ाई में टाइम नहीं मिलता है। लड़कियों को फिर भी दोस्तों एक कुकिंग के लिए इतना नहीं, लेकिन लड़के हो फिर भी कुकिंग करते हो, तो आपसे ये पूछा जाएगा, अच्छा कब टाइम मिलता है, कब आप कुकिंग कर लेते हो, ठीक है। एक दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत मतलब ट्रेंड में ही, मान लो बहुत ट्रेंड में रहा था कुकिंग, बहुत सारे लोगों की हॉबी होती है, पंचकुटा के सब्जी कैसे बनती है, और पंचकुटा में पांच जो सब्जियां होती है वो कौन कौन सी होती है। 100% दोस्तों हॉबी अगर है, और हम राजस्थान का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो 100% ये पूछा ही जाता है पंचकुटा में क्या क्या गिरते हैं और सब्जी कैसे बनती है। एक दोस्तों बहुत बार ये भी पूछा गया, हमारा इंटरव्यू सर्दियों में, मतलब शुरू में सर्दियों में था, ठीक है, तो मैंने खुद ने सुना था ये क्वेश्चन, मेरे से पहले जिनका इंटरव्यू था उनसे पूछा गया था। मेरा तो खैर अप्रैल में हो गया था, पहले जब वो मॉक देने जाते थे सर्दियों में, तब हल्दी की सब्जी कैसे बनती है, तो कुछ सब्जी ऐसे होती है ना जो डिफरेंट तरीके से बनती है, तो बिल्कुल आपको ऐसी चीज़ें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, अगर आपकी हॉबी कुकिंग है तो हल्दी की सब्जी किस तरह से बनती है, दाल बाटी और चूरमा, है ना, ये किस तरह से बनता है, बाटियाँ किस तरह से बनती हैं, चूरमा किस तरह से बनता है, ये कुछ, क्योंकि राजस्थानी फूड है दोस्तों, तो वो है ना, ये नहीं पूछेंगे आपको पास्ता कैसे बनते हैं, पिज्ज़ा कैसे बनता है, बर्गर कैसे बनता है, वो आपको देसी चीज़ें ही पूछेंगे, क्योंकि सबको पता है कि आजकल ये जो वेस्टर्न फूड है इनका ट्रेंड ज़्यादा रहता है, और जो देसी चीज़ें हैं उनका नहीं रहता है, वह ऐसी ही चीज़ें पूछते हैं। और वहाँ वैसे भी अबाउ 60 मेंबर्स होते हैं ज़्यादातर, तो उन लोगों को ऐसे ही खाने अच्छे लगते हैं और ऐसे ही खानों का उन्हें ज़्यादा ज्ञान होता है, तो ऐसे ही खाने आपसे पूछे जाएंगे। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, ये भी बिल्कुल पूछा जाएगा, बनाने में भी और खाने में भी, कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या बनाना लगता है, या फिर खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है। एक दोस्तों अगर हार्ड क्वेश्चन बनाना चाहें अपन, तो इस पर यह बनता है, एक स्वस्थ भोजन में प्रोटीन, विटामिन, इनका क्या अनुपात होना चाहिए, बिल्कुल यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप IAS का इंटरव्यू देखोगे ना, और उसमें बहुत सारे लड़कों की हॉबी या लड़कियों की हॉबी होती है कुकिंग, तो इनसे पूछा जाता है एक स्वस्थ भोजन में, जैसे प्रोटीन, विटामिन और भी कई तरह के होते हैं, मिनरल्स वगैरह, तो उनका क्या अनुपात होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, ठीक है, वसा कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मतलब 9वीं, 10वीं, 8वीं, 7वीं के भोजन वाला जो चैप्टर होता है ना, उसमें आपको मिल जाएगा स्वस्थ भोजन में किस चीज़ का क्या अनुपात होना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर इंटरव्यू पे ऐसे हॉबी पे अगर उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ना, तो ये क्वेश्चन
और ये इसमें तो लगभग सबसे पूछा गया है और उसी तरह के क्वेश्चन अपने फॉलो करते हैं, तो आपसे भी मानिए कि ये पूछ के चल सकते हैं। और अगर हम हॉबी में से सॉरी बोलते हैं ना तो वो कोई बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं डालता है। तो हॉबी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हॉबी में से भाई साहब कुछ भी पूछ लो, हमें सब कुछ आता है ना। तो स्वस्थ भोजन में क्या क्या कितना कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट कितने होने चाहिए, वसा कितने होने चाहिए, प्रोटीन्स कितने होने चाहिए, ये आपको पढ़ के जाना है। इनका अनुपात पूछते हैं वो, किस अनुपात में क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि शुगर लेवल स्वस्थ मनुष्य में क्या होना चाहिए, है ना। आई होप कि पूछ ही लेते हैं कई बार ऐसे कि भाई कितना शुगर लेवल होना चाहिए, चाय में कितनी चीनी डाली जानी चाहिए, मतलब एक मतलब भोजन बनाने वाले को पता होना चाहिए ना कि हम इतनी शुगर यूज़ कर रहे हैं, इतनी सही है हमारे शरीर के लिए, तो कई बार पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत टफ क्वेश्चन मुझे लगता है, क्योंकि मेरा खुद का कुकिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे इतना पता नहीं होता। आटा, सूजी और मैदा, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से बनते हैं तीनों चीज़ें। तो ये आई होप कि मतलब जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है फिर भी उन्होंने हॉबी रख रखी है अपनी कुकिंग, तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आटा, सूजी और मैदा। क्योंकि मैंने कहीं से मतलब ऐसे वीडियो आपको कहीं मिलेंगे नहीं कि इस हॉबी से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, कहीं नहीं मिलेंगे, तो ऑब्वियसली मुझे भी नहीं मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। तो ये मैं मेरे अनुभव के आधार पर ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे, क्योंकि हमें लगभग 5 महीने का टाइम, देखो मेरा रिज़ल्ट आया था आई थिंक जून या जुलाई में आया था शायद मेंस का इंटरव्यू रिज़ल्ट, और हमारा इंटरव्यू हुआ है 15 अप्रैल, तो सोच लो कितना टाइम मिल गया, हुआ ही नहीं हमारा इंटरव्यू कितने दिन तक, तो कितना सारा टाइम मिल गया। तो उतने में मैंने दृष्टि के जितने इंटरव्यू पढ़े हैं ना, वीडियो जितने हैं ना, सब देख लिया, और इवन दो दो तीन तीन बार देख लिए, और जितने भी उत्कर्ष के पढ़े हैं मैंने सारे देख लिए थे, है ना। छोटी छोटी कोचिंगों के भी मैंने सब इंटरव्यू देख लिए थे, तो मेरे मतलब इतना ज़्यादा मुझे याद ही हो गए क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते थे किस हॉबी में से, और इतने सारे इंटरव्यू फिर मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए, है ना। तो आटा, सूजी और मैदा अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने कईयों से सुना है, और ये टफ क्वेश्चन होता है, बिल्कुल भी कोई भी सही आंसर नहीं दे पाता। तो आप रिसर्च कर लेना अगर आपकी हॉबी है कुकिंग। तो राजस्थान में पाई जाने वाली औषधीय सब्जियां कौन सी हैं, औषधीय पादप लाइक गिलोय, तुलसी, है ना, ये सब भी हम खाने में यूज़ करते हैं ना, मतलब काढ़ा टाइप बनाते हैं इनका। तुलसी का कितनी तरह से यूज़ करते हैं हम, जब जुकाम लग जाती है तो चाय में तुलसी डाल के पीते हैं। तो दोस्तों अगर आप खाना बनाते हो ना, तो आपको औषधीय चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि सर नीम के पत्ते डालते हैं, पहले नहीं डालते थे, बुखार हो जाती थी तो गर्म पानी में नीम के पत्ते डाल के और फिर उनसे नहलाते थे हमें, है ना, तो वो एंटीबायोटिक होते हैं, ठीक है। और इसकी मतलब इन घरेलू चीज़ों में से कौन से औषधीय पादप होते हैं और उनका खाने में हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, लाइक कई जगह एलोवेरा की सब्जी बनती है, अचार टाइप डालते हैं उसका, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देसी चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना है ना, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। खाने को हेल्दी किस तरह से बना सकते हो ये भी पूछा जाता है। और दोस्तों खाने में सैनिटेशन का कितना और कैसा ध्यान रखना चाहिए, और खाने में सैनिटेशन कितना ज़रूरी है, सफाई कितनी ज़रूरी है, ये भी बहुत तो बार पूछा गया है, तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। कोरोना का काढ़ा कैसे बनता है, दोस्तों क्योंकि कोरोना चल रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं मैंने बहुत ऐसे दिमाग को इधर उधर घुमाया, और क्या पूछ सकते हैं और क्या पूछ सकते हैं और क्या पूछ सकते हैं, तो हो सकता है यार कोरोना का काढ़ा ही पूछ लिया जाए कि यार खाना बनाने वाले को। अब जैसे मम्मी हो रहे हैं, तो मम्मी और हमेशा से खाना बनाती है, तो उनको पता होता है ना कि पेट में दर्द होती है तो किस तरह की फांकी हमें देनी है, है ना, जुकाम लगी है तो कौन सा काढ़ा बनाना है, ज़्यादा तेज़ बुखार है तो कौन सा काढ़ा बनाना है। तो अगर हमारी हॉबी है कुकिंग तो हमें पता होना चाहिए कोरोना का काढ़ा कैसे बनता है, मंगोड़ी कैसे बनती है। तो एक्चुअली दोस्तों मुझसे कोई पूछे, मैं मम्मी से कल परसों पूछ रही थी, मम्मी मंगोड़ी कैसे बनती है, आप अगर जानते हो, हम लोग मंगोड़ी में किसे बोल रही हूँ, आई होप कि आप लोग भी समझते होंगे, हमारे शेखावाटी में उन्हें मंगोड़ी बोलते हैं, कई जगह उन्हें बड़ी भी बोलते हैं, जो क्या होता है वो किसी तरह का दाल होती है, पता नहीं क्या होता है, उनको पीस के भिगो के, शायद दाल ही होती है वो, कोई उनको पीस के फिर भिगो के उनके ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे पकौड़ी जैसी टुकड़ी बनाई जाती है ना, फिर उनको सुखा लिया जाता है सर्दियों में, फिर हम कभी भी उनकी सब्जी बना सकते हैं उनको छौंक करके, उस चीज़ को कई जगह बड़ी बोलते हैं, हो सकता है आपके इलाके में कुछ और बोलते हैं। तो वो किस तरह से बनती है, आई होप कि आप समझ रहे हो कि मंगोड़ी क्या होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर जो लोग समझ रहे हैं उनके उधर कोई नाम है, जो बड़ी बनती है दाल की पतली पतली सी, उनको सुखा दिया जाता है, जो मोस्टली सब्जियों में बनते हैं, पापड़ तो सब लोग समझते ही है ना, पापड़ के साथ ही मंगोड़ी भी बनती है, तो वो कैसे बनती है, मैं बार बार कह रही हूँ देसी टच पे ही ज़्यादा ध्यान रहता है उन लोगों का, कोई नहीं पूछेगा पिज़्ज़ा कैसे बनता है, बर्गर कैसे बनता है, लेकिन ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है।
आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं ये मैंने डाल ही दिया था, लाइक इंडियन, चाइनीज़, इटालियन, कौन सा खाना बनाना आता है आपको, है ना, तो ये भी पूछा जाता है कई बार। फेवरेट कुक कौन सा है दोस्तों, कई बार हो सकता है पूछ लिया जाए, तो एक किसी कुक का नाम याद कर लेना। वैसे मैंने सुना नहीं है, किसी से पूछा है, लेकिन कभी अपन हर एक एरिया को कवर करें ना, अगर हॉबी कवर करें, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया। हाँ, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया, अगर हम आपके घर आते हैं तो आप हमें क्या बनाकर खिलाओगे, लाइक आपकी होगी मतलब आप जैसे किसी अच्छे डिस्ट्रिक्ट से, लाइक मैं शेखावाटी से हूँ, तो मुझे पूछा भी गया था कि हम आपके घर आते हैं तो आप हमें सबसे पहले कहाँ घुमाओगे, एक पूरा दिन हमें घुमाना है तो आप कहाँ ले जाओगे शुरू में, फिर कहाँ ले जाओगे, फिर कहाँ ले जाओगे, और कहाँ कहाँ से शुरू करोगे, कौन से एरिया से, फिर कहाँ पे ख़त्म करोगे। इसी तरह से हो सकता है कि आपसे भी पूछ लिया जाए कि हम आपके घर आते हैं तो आप हमें नाश्ते में क्या खिलाओगे, खाने में क्या खिलाओगे, डिनर में क्या खिलाओगे, पूछते हैं वो लोग ऐसे क्वेश्चन, है ना, तो इन्हें लाइटली मत लेना, तैयार करके जाना है, फिर वहाँ पर ऐसा करते ही रह जाओगे, क्योंकि वहाँ पर ना दिमाग बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होता है जितना हम समझते हैं, या फिर जो बच्चों ने अभी इंटरव्यू नहीं दिया है ना, वो दूसरों के इंटरव्यू देख के ऐसे सोचते हैं ना कि यार इतना साइन नहीं आ रहा है, क्या ये कैसे RAS बन गए, कैसे IAS बन गए, मैं भी पहले ऐसे ही समझती थी। अगर आपने नाम सुना है सृष्टि धामी का, जिन्होंने जिनकी 4th रैंक थी पिछले बार के IAS में, सृष्टि धामी, जो बहुत सुंदर भी दिखती हैं, अगर आपने उनका इंटरव्यू देखा है दृष्टि का, तो उनको पता है 8 मार्च को उनकी बर्थ डेट है, 8 मार्च को। अब हमारी बर्थ डेट को हम लोग सब कुछ याद करके जाते हैं, इस दिन फेवरेट डे कौन सा है, क्या है, सब कुछ पढ़ के जाते हैं ना, ये हमारा DAF होता है, इसे हम तैयार करके जाते हैं। और आप सोच सकते हो कि जिस लड़की ने IAS में टॉप किया है उसने अपने बर्थ डेट की रिलेटेड चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, वो भी 8 मार्च को, जब जिस दिन इतना बड़ा महिला दिवस होता है और हम वुमन है, वुमन से रिलेटेड एक क्या हम हज़ारों चीज़ें पढ़ के जाते हैं, तो आप सोच सकते हो उसने नहीं पढ़ा होगा, है ना, लेकिन उन्हें याद नहीं आया कि 8 मार्च को क्या है स्पेशल। आप सोच सकते हो उस दिन प्रेशर ऑफ माइंड बोर्ड के सामने कैसा होता है, तो वो ही मैं बोल रही हूँ कि आप जब मेरा भी दृष्टि का इंटरव्यू देखोगे आपको ऐसे लगेगा क्या डवर लड़की है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे कभी कभी बिल्कुल ऐसा होता है, माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है, नहीं समझ आता है कुछ भी, है ना, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना हो सके ना यहाँ से ही तैयार करके जाना है, वहाँ पे बहुत नहीं याद आता है, यहाँ बहुत कुछ याद आ जाता है लेकिन बहुत कुछ नहीं भी आता है, ठीक है। RAS ना बने तो क्या कुकिंग को करियर के रूप में लोगे, है ना, तो हम कह सकते हैं जी सर मुझे इंटरेस्ट है, मैं अपना चैनल खोलूँगा कुकिंग का या फिर रेस्टोरेंट खोलूँगा, तो अगर आप चैनल बनाते हो कुकिंग का तो उसका क्या नाम रखोगे, और आप अपना रेस्टोरेंट खोलते हो तो उसका क्या नाम रखोगे, ये भी आपको सोच के जाना है। ऐसी चीज़ें भी कई बार पूछ ली जाती है, लाइक मुझसे पूछते थे आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखोगे तो उसका क्या नाम रखोगे, क्योंकि मेरी हॉबी थी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, तो मुझसे पूछा करते थे कि क्या आप भी अपनी ऑटोबायोग्राफी कभी लिखोगे, तो मैं कहती थी जी सर बिल्कुल लिखूंगी, तो लिखोगे तो क्या नाम उसका रखा जाएगा, तो ये भी मैंने तैयार कर रखे थे, 4-5 नाम थे मेरे पास में कि सर मैं ये इनमें से कोई एक नाम रखूंगी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि कुकिंग हॉबी में से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने में मैंने बनाने की कोशिश की है। बाकी दोस्तों देखो सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, वहाँ पे 4 मेंबर हैं, ऑब्वियसली उनका दिमाग बहुत सारी दिशाओं में जाएगा, तो और कुछ भी बन सकता है, लेकिन मैंने 90% कोशिश करी है कि मैं सारे क्वेश्चन ले लूँ इसमें से, बाकी तो देखो अपना अपना लक होता है। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पिछले बार के में भी यार इतने लोगों ने, 200 लोगों ने देखा, वो एक बंदे ने भी कमेंट नहीं किया कि OTT में से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जबकि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि यार जिन भाई का इंटरव्यू है प्लीज़ उनकी मदद कर दीजिए, कि और भी क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहे हैं, और याद आए होंगे ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी आपने कमेंट नहीं किए। अगर आपको लगता है कुकिंग में इनके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, ताकि जिनका इंटरव्यू है उनके सारे फील्ड कवर हो जाएं, जिनकी हॉबी है उनका कोई भी एरिया छूटे नहीं, फिर आप लोगों की कोई हॉबी होगी वो भी इसी तरह से कवर करेंगे ना, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आता है तो मतलब क्या आता है, और हाँ, और आगे भी अगर आपको ऐसे चाहिए हैं मतलब वीडियोस हॉबी पर, तो अपनी हॉबीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आ जाएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो डालती हूँ मैं, तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बाकी नहीं तो वीडियो नीचे जाते जाएंगे, आप देख नहीं पाओगे, ठीक है, थैंक यू।